हेलो दोस्तों, एक ही एग्जाम टॉपर में सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली से निकली हुई भर्ती के ऊपर बात करने वाला हूं। टेक्नीशियन ट्रेड और ट्रेडमैन की भर्ती है। इसमें आपको बता दें कि 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा और साथ ही इसमें एमएससी बीएससी वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, 18 से 37 वर्ष, ऑल इंडियन पोस्ट हैं। दिल्ली से पोस्ट है तो दोस्तों ऑल इंडियन होगी, सेंट्रल से भर्ती है, एकदम सरकारी भर्ती आप लोगों के लिए है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है। 25 जनवरी से इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि 25 जनवरी को उसको ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 25 से ही इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ये भी हम बातें करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, वैकेंसी शुरू करने से पहले तो दोस्तों एक ही एग्जाम टॉपर को जल्दी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गुवाए सेंट्रल से निकली हुई टेक्नीशियन ट्रेडमैन आईटीआई 10वीं पास वाले स्टूडेंटों की भर्ती निकली है, जिसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस लेवल की पोस्ट हैं, आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वैकेंसी को लेकर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे लेके आ चुका हूँ। पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना होगा, टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन सेकंड की बात करें एमएससी है, बीएससी है, और टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करें तो इसमें 2 ईयर्स का डिप्लोमा है, बीएससी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 3 वर्ष का है, साथ ही आईटीआई है आपके पास तो आईटीआई लगा सकते हैं, 25,000 से अधिक सैलरी पा सकते हैं। सेकंड बात करें थर्ड तीसरे नंबर की, इसमें एक्स रिपोर्ट सिर्फ आईटीआई मांगी गई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो आप इसमें आवेदन कीजिएगा। और इसी दौरान बाकी पोस्टों पर भी देख सकते हैं, आईटीआई आईटीआई और 3 वर्ष का डिप्लोमा और साथ ही 12वीं पास और 10वीं पास वाले स्टूडेंट इन पोस्टों के लिए आवेदन करेंगे। तो ये था इस पोस्टों का विवरण। आगे बात करें इसमें 17 फरवरी तक आप इसमें सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को और इसे फिल करके सबमिट आगे भेज सकते हैं। जैसे कि एज लिमिट की हमने बात की थी, 18 से 37 वर्ष या 30 वर्ष, मैक्सिमम 30 होगी। इससे अधिक तक की बात करें जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरीज को 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो 37 वर्ष तक की छूट आप सभी को दी जाएगी। इसी दौरान आप लोग इसे 17 फरवरी तक फिल कीजिएगा फॉर्म को, और इसमें फिल करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवाए। जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके अंदर किन कैटेगरीज को छूट दी जाएगी, ओबीसी को तो दी जाएगी, उसके साथ साथ इसमें जो फिजिकली विकलांग है उनके लिए 40% तक की छूट मिलेगी। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, सेंट्रल से निकली हुई भर्ती के अनुसार सरकारी नौकरी आप सभी को दी जाएगी। और साथ ही इसमें आपको बता दें कि इसकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, जो भी आपको बताएंगे कब होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपके लिए ₹500 होगी, जबकि एससी एसटी कैटेगरीज और पीडब्ल्यूडी और एक्सपीरियंस और महिलाओं के लिए कोई पेमेंट नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल 0 पेमेंट से आप आवेदन करेंगे। इसकी हम एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, एग्ज़ाम के लिए आपको OMRC यानी कि ऑफलाइन इसका रिटर्न टेस्ट होगा, फर्स्ट और सेकेंड आपके 2 टेस्ट होंगे ए और बे भाग में। तो आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 के अनुसार देख सकते हैं, और इसमें आप आवेदन करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होगी पेपर्स की। तो दोस्तों अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप यहां से इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसके अनुसार आप आवेदन करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, और कम्युनिटी और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की 25 जनवरी है क्लोज डेट, यानी कि पंजीकरण की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। क्लोज पेमेंट डेट की बात करें तो दोस्तों 17 फरवरी इसकी तारीख दी हुई है। 17 फरवरी आवेदन 25 से और 17 फरवरी के बीच आवेदन कर सकते हैं। इनवाइट रिटर्न टेस्ट की बात करें तो आपको बता दें इसकी मार्च में इसकी एग्ज़ाम होगी, 8 मार्च से इसकी एग्ज़ाम संडे को हो जाएगी। अब पहली बार जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहां से इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहां से इसे आवेदन कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको अगर आवेदन करना है तो आपकी पोस्ट कोड का ज़रा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पोस्ट कोड एक महत्वपूर्ण चीज़ है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ से अपना पूरा आवेदन करने के लिए 1 पेज का पूरा फॉर्म से फील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोरम का विवरण, आप इसमें एक ही पेज का विवरण होगा, आराम से इसे फील कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एक ही एग्जाम टॉपर को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।